नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग गद्य से पद्य की तरफ बढ़ते हुए अपनी साहित्य की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। ये कविता मैंने काफ़ी पहले लिखी थी और जो किसी पत्रिका में छपी थी, जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए उस कविता को आप भी सुनिए। इसका शीर्षक है हे माँ धरा। हे संयमशीले धरा, तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। ममता और करुणा का आंचल कैसे लहरा सकता है कोई। हे संयमशीले धरा, तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। अडिग अचल स्थिर तरु भी, अडिग अचल स्थिर तरु भी जड़ों से जकड़ लेता है तुझे ऐसे। भयवश मातृत्व सुख को आतुर, शिशु ने पकड़ा हो माँ का आंचल जैसे। हे संयमशीले धरा, तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। दुदुम्बी ऋण की सुनकर, दुदुम्बी ऋण की सुनकर भर जाता उसके लहू में अद्भुत साहस। सिंह गर्जन अश्वों का बल, जब मस्तक पर रज कर्ण लगा चलता प्रहरी। हे संयमशीले धरा, तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। तेरी छाती पर उगते चंदन वन, तेरी छाती पर उगते चंदन वन और स्वामित्व खुशबू का नभ को देकर। पर्वतों की गगनचुंबी श्रृंखलाओं के नीचे दबी है सदियों से मौन। हे संयमशीले धरा, तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। तिहाई भाग सागर को सौंप दिए, तिहाई भाग सागर को सौंप दिए एक हिस्से में खुद को रखकर। मृत्यु प्रांत त्यागता है जग सारा, तू बाहें फैला खड़ी स्वागत में। हे संयमशीले धरा, तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। प्रथम कदम प्राणी सीने पे धरता, प्रथम कदम प्राणी सीने पे धरता तू चाह भरती गगन में उड़ने की उसके। देखिए पृथ्वी का रूप कि प्राणी तो उसके सीने पे कदम धरता है और वह चाह करती है उसकी नभ में उड़ने की। प्रथम कदम प्राणी सीने पे धरता तू चाह भरती गगन में उड़ने की उसके। विडम्बना देख अचरज से ओत प्रोत, नतमस्तक हो जाता है मेरा मन। हे संयमशीले धरा, तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। तेरा सानी नहीं हो सकता कोई। नमस्ते दोस्तों, आपको संयमशीले धरा अगर पसंद आई हो और आप ऐसी ही रचनाएं और सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हर शाम 5 बजे मुलाकात कीजिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।